सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम अकेले हो, उस दिन तुम्हारे सभी दुखों का अंत हो जाएगा। बात करने का अंदाज भी खूबसूरत होना चाहिए ताकि जवाब भी खूबसूरत मिले। खुशी थोड़ी देर के लिए सब्र देती है और सब्र हमेशा के लिए खुशी देता है। संसार को अपने संस्कार से जीता जा सकता है, अपने अहंकारों से नहीं। आज का पंचांग 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार, माघ मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि 6:00 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघ नामक नक्षत्र रात्रि 10:20 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:48 से 11:14 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:17 से 1:03 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। आप सभी को मांग पूर्णिमा और रविदास जयंती की शुभकामनाएं। मकर राशि 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार, आज आप महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने संबंधियों से बात कर सकते हैं। प्यार से बातचीत करें और नम्र बने रहें। अगर आप अभी स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं तो अभी इसे छोड़ दें। अगर मूड हल्का करना चाहते हैं तो शाम को किसी समारोह में भाग लें। आध्यात्मिकता और विश्वास पर फोकस करने से आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक दायित्वों को आप बखूबी निर्वहन करेंगे तथा परिवार के साथ मौज मस्ती भरी क्रियाकलापों में बेहतरीन समय व्यतीत होगा। भविष्य संबंधित योजनाओं में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। यात्रा संबंधित योजना सफल होगी। नए लोगों के साथ काम करने की वजह से आपका नजरिया बदलेगा। जो बातें आपकी समझ के बाहर है उन्हें जान पाना भी संभव होगा। आपके व्यक्तित्व में आ रहे बदलाव के कारण जीवन की अनेक बातों में संतुलन बनेगा। व्यक्तिगत जीवन संबंधित लक्ष्य जल्द ही पूरा होगा। काम के विस्तार के बारे में सोच विचार करेंगे। इस विस्तार के असर पर ही ध्यान देना होगा। पूर्ण प्रेमी के साथ हुई मुलाकात की वजह से वर्तमान रिलेशनशिप पर असर हो सकता है। शुगर से संबंधित तकलीफ भी होगी, ध्यान रखें। जिम्मेदारियों से काम लेने के लिए दिन रहेगा। आपको बड़ों की बातों को सुनना और समझना भी होगा। बिजनेस में यदि आपको किसी निवेश संबंधित योजना के बारे में बताएं तो आप उसमें धन लगाने से बचें। अपने जरूरी कामों को कल के भरोसे ना छोड़ें, नहीं तो उन्हें पूरा करने में समस्या हो सकती है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को मान सम्मान मिलने से उनके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आपका कोई विरोधी आपको परेशान कर सकता है। आपको किसी परिजन की सलाह पर चलना अच्छा रहेगा। आपकी आय बढ़ने से आप प्रसन्न रहेंगे। सावधानियां, किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपनी मनोस्थिति स्थिर बनाकर रखें। कुछ अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। पड़ोसियों के साथ किसी भी बात को लेकर वाद विवाद में ना पड़ें। जल्दबाजी में कोई बनता काम बिगड़ भी सकता है। बात करती हैं लव लाइफ की। आज माहौल में ही रोमांस बिखरा हुआ है। आप बहुत सारे मनोरंजक और मजेदार आदमियों के संपर्क में आएंगे और उनमें से किसी एक के साथ मुलाकात सार्थक साबित हो सकती है। जिनका संबंध पहले से बना हुआ है वे अपने पुराने संबंध में अंतरंग डिनर या पिकनिक पर जाकर एक नए जान फूंक पाएंगे। आपका पार्टनर पिछले कई दिनों से कुछ खींचा खींचा सा है, लेकिन आज स्थिति में सुधार होगा। बात करते हैं करियर की। आप समस्या पैदा नहीं करती, लेकिन आज आप अपने आप को घिरा हुआ पाएंगे। आप अपना आपक हो सकती हैं। आप अपने आप को शांत बनाए रखें और समस्याओं को एक एक करके निपटाएं। आपको देर तक अपने कार्यालय में काम करना पड़ सकता है। शाम तक की अपनी प्रतिबद्धताओं को रद्द कर दें। अपने कार्यों को ढंग से समाप्त करने की ओर ध्यान लगाएं। कई व्यावसायिक मामलों में नया फैसला लेते वक्त दिक्कतें आएगी। बेहतर होगा मौजूदा हालातों पर ही ध्यान दें। कमीशन संबंधित कार्यों में सफलता मिल सकती है। नौकरी में ऑफिशियल यात्रा के ऑर्डर भी मिल सकती हैं। बात करती हैं सेहत की। आज आप थोड़े से घमंड के मूड में रहेंगे। अपनी इस साहसिक ऊर्जा को ऐसे लोगों का सामना करने के लिए बचाए रखें
जो आपकी विश्वसनीयता पर आज संदेह जाहिर कर सकती हैं। लेकिन अगर आप खुद को उनकी बातों से प्रभावित होने देंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इन सब से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप या तो किसी फिटनेस कार्यशाला में भाग लें या किसी कैंप में जाकर मजे करें। आज का उपाय। आज जब शनि भगवान जी की कृपा पाने के लिए गरीबों को काली चीजों का दान करें, जैसे कपड़े, काले चप्पल इत्यादि। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।